हम सब लोगों को चाय पसंद है, राइट? कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनका दिन शुरू नहीं होता अगर वो चाय ना पिए तो आप सोचिए कि ऐसा प्रोडक्ट चाय जो इतना पॉपुलर है लोगों में, अगर किसी राज्य में जितनी भी चाय बिकती है वो अगर सिर्फ एक ही कंपनी बेचे तो कितना फायदा होगा उसको। और अब मान लीजिए कि वो कंपनी ये कह रही है कि सिर्फ वही चाय बेचेगी और किसी कंपनी को चाय बेचने, चाय बनाने की इजाजत नहीं है, तो बाकी कंपनीज के साथ ये कैसी नाइंसाफी है। कुछ ऐसा ही हुआ था अमेरिका में बॉस्टन टी पार्टी के दौरान, जिसके बारे में आज हम अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते हैं। ये नाम सुनने से ऐसा लगता है कि कोई टी की पार्टी होगी, बट ये कोई पार्टी नहीं थी, बट एक बहुत पुराना और बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट था जिसके वजह से अमेरिकन रिवोल्यूशन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। और आज बॉस्टन टी पार्टी के बारे में हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने लास्ट में एक बोनस फैक्ट बताया। कहानी शुरू होती है साल 1760 में, यानी आज से लगभग 250 साल पहले। उस समय ब्रिटेन की हालत बहुत खराब थी, वो कर्जे में डूबे हुए थे, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। अब जब भी किसी सरकार के पास पैसे की कमी होती है तो सबसे पहला जो आइडिया उनके दिमाग में आता है वो क्या है? टैक्स। यानी जिस लोगों पे वो राज करते हैं उनका टैक्स बढ़ाना। उस जमाने में अमेरिका ब्रिटेन की कॉलोनी थी, यानी ब्रिटिश लोग अमेरिका पे राज करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि अमेरिका पे बहुत सारे टैक्स लगाना शुरू किया। साल 1765 में ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका के ऊपर एक टैक्स लगाया जिसको स्टैंप एक्ट कहते थे। इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी प्रिंटेड पेपर की चीजें हैं उन सब पे टैक्स लगना शुरू हो गया, चाहे कोई लाइसेंस हो, चाहे कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो, न्यूज़पेपर तक पे भी टैक्स लग रहा था। उसी के 2 साल बाद साल 1767 में एक दूसरा टैक्स आ गया, इसका नाम था टाउनसेंड एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत ग्लास, पेंट, पेपर, चाय, जितनी भी एसेंशियल मतलब जरूरत की चीजें थी उन पर टैक्स लगना शुरू हो गया। अब बात यहां पे ये थी कि जो ब्रिटिश सरकार थी जो इतना टैक्स लगा रही थी, उनको ये लग रहा था कि जो हम ये टैक्स लगा रहे हैं ये बिल्कुल जायज है यार, कोई टेंशन नहीं है इसमें। उसका रीजन ये है कि वो सोच रहे थे कि जितना हमारे पास इतनी पैसे की कमी हुई है वो अमेरिका की वजह से हुई है, हम अमेरिका की वजह से इतनी लड़ाई कर रहे हैं तो उसमें हमारा खर्चा हो रहा है, तो इसी वजह से अमेरिका को टैक्स हमको देना चाहिए। बट ऑब्वियसली अमेरिकन लोग ये बात नहीं मानते थे, उनको ये लग रहा था कि अगर उन पे टैक्स लगाया जा रहा है तो उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में जगह मिलनी चाहिए, यानी कुछ अमेरिकन लोग भी होने चाहिए जो अमेरिका के इंटरेस्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करें, और ये बात ध्यान रखें कि कभी भी कोई फैसला लिया जा रहा है तो अमेरिकन के भी हित में हो। इस पूरी बात के लिए एक फ्रेज रखा गया, इसको कहते हैं नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो इस सब की वजह से बहुत टेंशन चल रही थी। इसी के दौरान साल 1770 में हुआ ये कि अमेरिका में एक स्टेट है, उसका नाम है मैसाचुसेट्स, वहां पे एक शहर है बॉस्टन, वहां पे कुछ ब्रिटिश लोग पहरा दे रहे थे और कुछ लोकल अमेरिकन थे, उनको बात अच्छी नहीं लगी कि यार ये लोग हमारे कंट्री में आके बैठे हुए हैं, हमसे टैक्स भी ले रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन ब्रिटिश सोल्जर्स के ऊपर कुछ कुछ फेंकना शुरू किया, स्नोबॉल्स, छोटे छोटे ऑयस्टर्स, और उनको मतलब चोट नहीं पहुंचा रहे थे बट उनको ऐसी ना उनकी बेइज्जती करने के लिए। अब ब्रिटिश सरकार के फौजी हैं वो लोग, उनको बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने अपने साथी कुछ लोगों को बुलाया और फिर इन लोगों पे फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस इवेंट में 5 लोगों की डेथ हो गई और 6 लोग घायल हो गए, और इस इंसिडेंट को द बॉस्टन मैसेकर कहा जाने लगा। जैसे जैसे इस मैसेकर की न्यूज लोगों में फैली, लोगों का गुस्सा और भड़का। एक तो हम पे टैक्स लगा रहे हैं, ऊपर से हम पे गोली चला रहे हैं लोग यार। लोगों का इतना गुस्सा देख के ब्रिटिश सरकार ने डिसाइड किया कि ठीक है हम कुछ टैक्स कम कर देंगे, तो उन्होंने बहुत सारे टैक्स हटा दिए, बट चाय पे जो टैक्स लगाते थे वो लोग, टी टैक्स, वो उन्होंने नहीं हटाया। क्यों? वो इसलिए कि जैसे हमको चाय इतनी पसंद है आज, वैसे ही उस जमाने में अमेरिकन्स को चाय की एकदम लत लग गई थी, और ब्रिटिश सरकार ये बात जानती थी कि चाय उनको बेच बेच के वो बहुत पैसा कमा सकते हैं। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जिन्होंने इंडिया पे राज किया था, उसकी हालत अच्छी नहीं थी, तो ब्रिटिश सरकार ये सोच रही थी कि अगर उन्होंने चाय पे टैक्स लगाना बंद कर दिया तो इतनी कमाई जो उनको होती है चाय बेच के, वो कमाई नहीं होगी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके पास कोई बिजनेस ही नहीं बचेगा और वो एकदम खत्म हो जाएंगे। इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने साल 1773 में टी एक्ट पास किया। अब इस एक्ट में क्या किया ब्रिटिश सरकार ने, उन्होंने ये कहा कि अब जितनी भी चाय ईस्ट इंडिया कंपनी यहां बेच रही है उस चाय पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो चाय ड्यूटी फ्री रहेगी, ताकि जितने बाकी जो चाय बेचने वाले व्यापारी हैं उन लोगों का धंधा बंद हो जाए और सारी चाय जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही बेचे। तो इस तरह से ये चालाक ब्रिटिश सरकार की ये चाल थी कि जितनी भी चाय वहां बिक रही है उस पे ब्रिटिश सरकार की मोनोपोली बनी रहे। अब अमेरिकन्स भी भाई कम नहीं थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका जवाब देने के लिए हॉलैंड से, डच कंपनी से चाय मंगवाना शुरू किया और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चाय थी उसका बहिष्कार करना शुरू किया। उस समय एक ग्रुप था जो बहुत पॉपुलर था, उसका नाम था सन्स ऑफ लिबर्टी।
उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 शिप्स बॉस्टन के एक बंदरगाह पे आई। इन शिप्स में खास बात क्या थी? खास बात यह थी कि इन शिप्स में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के बहुत सारे बक्से रखे थे। तो इस पे सन्स ऑफ लिबर्टी जो ग्रुप था, उन्होंने इस बात पे प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि हम इन 3 शिप्स पे जितनी भी चाय है उसको बॉस्टन के बंदरगाह पे उतारने नहीं देंगे, अनलोड नहीं होने देंगे। उन्होंने ये कहा उन 3 शिप्स को कि तुम शिप्स को घुमा लो, यूटर्न मार लो और जाओ सीधा ब्रिटेन, वहां पे जाके चाय बेचो, यहां तुम ये चाय नहीं बेच सकते। अब यार ब्रिटिश लोगों के लिए बहुत बेइज्जती की बात है कि वो अमेरिका पे राज कर रहे हैं और अमेरिका के लोग उनको इस तरह से ऑर्डर दे रहे हैं। तो वहां पे जो ब्रिटिश गवर्नर था उन्होंने कहा नहीं, हम इस शिप को वापस लेके नहीं जाएंगे, ये शिप से चाय यहीं उतरेगी। तो वो दिन था, एक्चुअली रात थी, December 16, 1773 की, जब सन्स ऑफ लिबर्टी के कुछ लोग, उन्होंने ग्रुप बनाया और उन्होंने नेटिव अमेरिकन के कपड़े पहने और उन्होंने इन 3 शिप्स पे जाके धावा बोल दिया। अब धावा बोलने से आपको सुनकर लगेगा कि उन्होंने अटैक किया, बट उन्होंने किसी को हानि नहीं पहुंचाई, बट जितने भी यहाँ पे चाय के बक्से रखे थे उनको खोल खोल के, उनके ताले तोड़ तोड़ के सारी चाय को पानी में गिराना शुरू किया। सारी शिप्स वहां पे खड़ी थी, लोग उनमें घुस के सारी शिप्स से चाय के डब्बे उतार उतार के बाहर फेंक रहे थे। आपको पता है टोटल कितने चाय के बक्से थे वहां पे? 342 चाय के बक्से थे जो लोगों ने पूरे खाली कर दिए पानी के अंदर, समुन्द्र में। कुल मिला के 45,000 किलो चाय ऐसे बर्बाद कर दी गई। इतनी चाय की अगर आप आज की तारीख में वैल्यू लगाएं तो ये लगभग $1 million के बराबर होगी। तो इसी इंसिडेंट को बॉस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। जब इस इंसिडेंट की न्यूज बाहर फैली तो लोगों के मिक्स रिएक्शन आ रहे थे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा हुआ, अमेरिकन लोग बहुत टैक्स लगाते हैं, हमको बहुत तंग करते हैं, तो उनके साथ तो यही होना चाहिए था। बट कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये तरीका नहीं है किसी का नुकसान करवा के अपनी असहमति प्रकट करना। अमेरिका के उस समय जो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे जॉर्ज वॉशिंगटन, जो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने भी इस इंसिडेंट के लिए यह कहा, द कॉज ऑफ बॉस्टन विल बिकम द कॉज ऑफ अमेरिका। यह उनकी पब्लिक राय थी, बट पर्सनली वो ये कह रहे थे कि यह करना गलत था, इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए था बॉस्टन के लोगों को। फेमस साइंटिस्ट और इन्वेंटर बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने भी इस बात की बहुत निंदा की और उन्होंने ये कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी चाय वेस्ट की गई है उनको उसके बदले में पैसा दिया जाना चाहिए। उन्होंने तो ये तक ऑफर किया कि वो पर्सनली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो खुद कर देंगे। इस इंसिडेंट की खास बात ये थी कि किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई, टोटल 342 बॉक्सेस ऑफ टी को पानी में गिराया गया। और ये तक कहा जाता है कि जब वो लोग ये सब नुकसान करके उस शिप से उतर रहे थे तो उन्होंने शिप के फ्लोर को एकदम से साफ भी कर दिया था। पर ब्रिटिश सरकार को ये बात अच्छी नहीं लगी, अमेरिकन ने उनकी शिप्स पे घुस के उनका इतना नुकसान किया था। तो बॉस्टन टी पार्टी के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने लागू कर दिए कोएर्सिव एक्ट, जिनको बाद में इंटॉलरेंट एक्ट भी कहा जाने लगा। इस एक्ट के अंतर्गत कुछ नियम उन्होंने पास किए, उसमें से एक नियम था कि बॉस्टन हार्बर तब तक बंद रहेगा जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ना की जाए। दूसरा, मैसाचुसेट्स स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को भंग कर दिया गया और वहां पे जो फ्री इलेक्शन हो रहे थे उनको रोक दिया गया। तीसरा, जुडिशियरी सिस्टम को इस तरह से बना दिया गया कि सारे जो जजमेंट लेने थे, जितने भी जज होंगे वो सारे ब्रिटिश होंगे, यानी लीगल पावर जो सारी थी वो ब्रिटिश लोगों के हाथ में आ गई। ब्रिटिश सरकार ने ये एक्ट इसलिए पास किया क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि ये एक्ट पास करने के बाद अमेरिकन जो जनता है उनको थोड़ा सा डर लगेगा और वो शांत बैठेंगे। बट इसका बिल्कुल उल्टा इफेक्ट हुआ, अमेरिकन जनता और गुस्सा हुई और उन्होंने और डिसाइड किया कि हम मिलके अब इस ब्रिटिश सरकार को जो इतनी तंग कर रही है हमको उसका सामना करेंगे। हालांकि बॉस्टन टी पार्टी में सन्स ऑफ लिबर्टी का बहुत बड़ा हाथ था, उसके कुछ लोग शामिल थे इसमें, बट कभी भी ये बात सामने नहीं आई कि एग्जैक्टली कौन कौन लोग थे, कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। इस पूरे किस्से के बाद सिर्फ एक आदमी को अरेस्ट किया गया और उसको जेल में डाला गया। यहां तक कि जब अमेरिकन को ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता मिल गई, जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया, इसके बाद भी सन्स ऑफ लिबर्टी के किसी भी मेंबर ने सामने आके ये बात नहीं मानी कि बॉस्टन टी पार्टी में उन्होंने भी जाके चाय के बक्से पानी में गिराए थे, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि आज भी उन पे केस चल सकता है और उनको सजा हो सकती है। इस तरह से बॉस्टन टी पार्टी अमेरिकन रिवॉल्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया। अब बारी है उस बोनस फैक्ट की जो मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड में बताऊंगा। साल 1773 में बॉस्टन टी पार्टी का जो इंसिडेंट हुआ था इसके बारे में सब जानते हैं, बट अगले ही साल एक दूसरा इंसिडेंट हुआ था, साल 1774 में, उसको कहते हैं सेकेंड बॉस्टन टी पार्टी। उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप थी, उस पे कुछ बॉस्टन के लोग चढ़े, उन्होंने उसमें से सारे चाय के बक्से उतार उतार के बाहर गिराए। इस इंसिडेंट में टोटल 60 चाय के बक्से बाहर फेंके गए थे, बट इस इंसिडेंट को वो पॉपुलैरिटी कभी भी नहीं मिली। बट इसके बाद ये जरूर हुआ कि जब भी वहां पे लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना दुख प्रकट करना होता था, अपना गुस्सा प्रकट करना होता था,
तो लोग चाय को यूज करके अपने प्रोटेस्ट करते थे और अपने डेमोंस्ट्रेशंस करते थे। तो जब आप अगली बार बैठ के सुबह सुबह एक गरम गरम चाय का प्याला पी रहे होंगे, तो चाय को पीते समय सोचिएगा कि ये चीज, ये छोटी सी चीज किसी देश के इंडिपेंडेंस के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए इतनी बड़ी चीज बन सकती है। अपने सवाल, अपने सुझाव और अपना फीडबैक मुझे कॉमेंट्स में जरूर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।